प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांत पर समाज के लोगों में दुख है। इसी को लेकर समाज के लोगों ने योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांत पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही दुख की इस घड़ी में उनका साथ देने की बात कही। समाज के लोगों ने इस श्रद्धांजलि में भाग तो लिया, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री के इस त्याग और बलिदान की भी सराहना की। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए सोचते हुए ये त्याग किया है। दरअसल आज मुरादाबाद में लोगों ने घरों के बाहर निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। इस दौरान सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। सभी ने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कोरोना के चलते उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। उनके इस त्याग और बलिदान को प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी, साथ ही इस दुख की घड़ी में मुरादाबाद की जनता खड़ी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ देने की बात कही, साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की शपथ ली। आदित्यनाथ जी के पिता के जो निधन हुआ है, हमें उनके लिए मधुर जिला मुरादा के द्वारा शोक प्रकट कर रहे हैं। 2 मिनट की श्रद्धांजलि। हमारे प्रिय योगी जी, सीएम योगी जी के जो आज तक उनके पिताजी का जो अर्धवसन हुआ है, और वो जिस तरह से अपनी जनता के साथ खड़े हैं और उस वो उस अंत्येष्टि में भी नहीं गए हैं, इससे हम उन हमारी श्रद्धा उनके प्रति भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें लगा कि हम सिर्फ उनकी इस दुख की घड़ी में 1-2 मिनट का साथ देके उनका साथ दे सकते हैं। ये आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी के जो देहावसान हो गया है, उस अवसर पर हम मधुर जीवन जिला से सब जितने भी सारे परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं।